गुड न्यूज टुडे, नई उम्मीद जगाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। देश की राजधानी दिल्ली की सड़कों पर ज्यादातर आपने पुरुषों को ऑटो चलाते हुए देखा होगा, लेकिन अब आप महिलाओं को भी राजधानी की सड़कों पर ऑटो चलाते हुए देख पाएंगे। बता दें कि दिल्ली सरकार ने महिला सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के मकसद से दिल्ली में ई ऑटो के परमिट लेने के लिए महिलाओं को 33% आरक्षण देने का एक बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली में लड़कियों की सुरक्षा हमेशा से ही सवालों के कटघरे में रही है। ऐसे में लड़कियों की सुरक्षा को देखते हुए दिल्ली सरकार ने एक बहुत ही अच्छी पहल की है। दरअसल दिल्ली सरकार ने 35% ई परमिट महिला चालकों के लिए आरक्षित किए हैं। जी हाँ, दरअसल दिल्ली सरकार ने महिला ऑटो ड्राइवर चालकों के लिए 35% ई परमिट जो है वो आरक्षित कर दिए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि दिल्ली में नियम के अनुसार अभी तक 1,00,000 ऑटो रिक्शाएं दौड़ रही हैं, और अब दिल्ली सरकार ने ये फैसला लिया है कि इन 1,00,000 में से 4,000 परमिट जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अब 4,000 महिलाएं जो है ऑटो रिक्शा दिल्ली के सड़कों पर चला पाएंगी। 96,000 ऑटो रिक्शाएं जो दिल्ली की सड़कों पर चल रही हैं, जिन्हें परमिट मिल चुके हैं, उन्हें फिलहाल पुरुष चला रहे हैं। और अभी दिल्ली में ऐसी कुछ ही चुनिंदा महिलाएं हैं जो दिल्ली की सड़कों पर अपनी ऑटो रिक्शाएं चला रही हैं। आपको बता दें कि फिलहाल दिल्ली की सड़कों पर अधिकतम 1,00,000 ऑटो परमिट जारी किए जा सकते हैं, जिसमें से अब तक 96,000 ऑटो परमिट जारी किए जा चुके हैं और बाकी बचे 4,261 परमिट महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिए गए हैं। दिल्ली सरकार की तरफ से इस फैसले को मंजूरी मिलने के बाद परिवहन विभाग की ओर से परमिट के लिए आवेदन मंगाने की प्रक्रिया जल्द ही शुरू हो जाएगी, जिसके बाद आप जल्द ही दिल्ली की सड़कों पर महिलाओं को भी पुरुषों की तरह ऑटो रिक्शा दौड़ाते हुए देख पाएंगे। तो वहीं आपको बता दें कि राजधानी में प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ई वाहनों को बढ़ावा दे रही है, जिसके लिए दिल्ली सरकार ने परमिट मिलने के बाद ऑटो खरीदते समय सब्सिडी के साथ सस्ती दरों पर कर्ज देने का ऐलान किया है, जिसकी बदौलत राजधानी में जो ऑटो आपको 2 से 2.25 लाख तक की कीमत में मिलता है, वही ऑटो सब्सिडी मिलने के बाद आपको 1.5 से 2 लाख रुपए तक की कीमत में मिल जाएगा। इसके अलावा दिल्ली सरकार पहले से ही ई वाहनों के रजिस्ट्रेशन का शुल्क माफ कर चुकी है। खैर, देखना यह होगा कि सरकार की इस पहल से महिलाओं की जिंदगी कितनी आसान हो पाती है और कितनी महिलाएं इस फैसले के बाद दिल्ली की सड़कों पर अपना ऑटो रिक्शा दौड़ाती हुई नजर आएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।